3400 ठीक है नेट प्राइस। ये चाइनीज होती है बॉयल, देखने में ऑलमोस्ट सेम ही है, सिमिलर होती है बट पीछे से फर्क होता है। ये मेटल में होती है, ये प्लास्टिक में होती है। ये लगाने के बाद प्रॉपर ऑटो कट इंडिकेटर चलेगा, ये लगाने के बाद ऑटो कट इंडिकेटर नहीं चलेगा। मतलब कितने पीस होंगे अपने पास? ये करीब 30-35 पीस है हमारे पास इसको। 30-35 ज़्यादा ही होंगे। टॉप मॉडल वाली सीट प्लेट, ये सारे स्टीयरिंग है, सारे स्टेरिंग। अब कई बंदा बोलेंगे खाली डब्बे होंगे, तो खाली डब्बे भी तो लाने का। 35 तो नहीं, ज्यादा ही लग रहे हैं मेरे ज्यादा, पीछे तो बड़े हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो प्रवी सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए हैं बिंद्रा मोटर गुरप्रीत पाजी के कोल। आज हमारे पास पूरी एसेसरी आ चुकी है ब्रीजा 2022। अब गुरप्रीत पाजी, कौन कौन से पार्ट आप लेकर आ गए जो आपने पूरी दुकान सजा दी अपनी? ये पार्ट्स जो भी थे, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, हाँ। ये स्टेरिंग जो थे लिमिटेड स्टॉक का, बट अब अनलिमिटेड स्टॉक में है, मतलब एक क्वांटिटी अच्छी क्वांटिटी में आ रखा है। 40-50 पीस हमारे पास स्टॉक है। अब किसी भाई को खाली स्टेरिंग में लगाना हो तो वो भी चीज़ भी हम लगा सकते हैं कम्फर्टेबली, खाली स्टेरिंग में भी डील कर सकते हैं और पूरा सेटअप कराना तो पूरा सेटअप भी करा सकते हैं। ठीक है, इसके प्राइस बताने नहीं बताने? प्राइसिंग तो हमने बता ही रखे हैं, जो भी प्राइस पिछली वीडियो जो भी हमारे व्यूअर्स, इसमें भी बताएंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, वैसे भी हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसे पिछली बार में हमने बताया 3400 का स्टेरिंग है हमारा, तो 3400 का स्टेरिंग है, ठीक है। 1100 रुपये का आपका कॉयल वायरिंग इंस्टॉलेशन करके टोटल 4500 फिटिंग है। आप तो खाली स्टेरिंग भी किसी भाई ने लगवाना तो वो भी आके कम्फर्टेबली लगवा सकते। मतलब भाई एक स्टेरिंग 3400, एक स्टेरिंग इंस्टॉल करके 4500 रुपये का नेट है, 3400 का स्टेरिंग है, तो कन्फ्यूज मत होना उस चीज़ में। प्रॉपर इंस्टॉल करके 4500 का पड़ेगा भाई, और स्टॉक रेडी है तभी ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, पिछली बार लिमिटेड स्टॉक था तो पहली प्रेफरेंस हमारी ये थी कि जो हमसे सेटअप कराएगा उनके लिए था, बट अब खाली जिसने जहाँ से मर्जी सेटअप करा रखा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको स्टेयरिंग लगवाना है आपकी गाड़ी में, टॉप मॉडल वाला जो जेड एक्स प्लस वाला स्टेयरिंग है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको एक चीज़ हम ओपन कर पाजी, एक ना इसकी कॉइल भी दिखा दें। जी जी, पहले आप स्टेयरिंग, स्टेयरिंग आपको दिखा देते हैं कि स्टेयरिंग कैसा होता है। टॉप मॉडल आ गया, टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग कैसा होता है रवि भाजी, आप दिखाओ। ये लेदर रैप होता है स्टीयरिंग, हमें इसके ऊपर लेदर रैप कोई स्टीयरिंग कवर लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर इसके अंदर ब्रांड न्यू ये पूरा स्टीयरिंग है, ठीक है। ये आप अपने बेस मॉडल में अपग्रेड कर सकते हो, इसकी फील बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे टॉप मॉडल का स्टीयरिंग होता है। भाजी एक बात बताओ, जैसे इसमें ब्लैक है स्टीयरिंग, कोई मतलब देखे है मतलब वाइट आ रही है स्टीयरिंग? वाइट वो करवाते हैं लोग, टॉप मॉडल में नहीं आती, ब्लैक ही स्टीयरिंग है, पर इसमें वाइट ब्लैक ही आती है। आप कोई भी मॉडल दो देखोगे सब में ब्लैक आती है, वाइट किसी में नहीं आती। 3400 नेट प्राइस। ये इसके साथ स्पाइरल केबल लगती है, ये जेनुइन की पहचान है कि ये एमबीओएस कंपनी की होती है, ठीक है ठीक है। 6 पिन हब होता है, प्लास्टिक कॉइल होती है पीछे, ठीक है। एक बार ना वो कॉपी वाली भी दिखा दो, कॉपी वाली भी दिखा देते हैं, फ़र्क क्या होता है, ठीक है। ये आपकी कॉपी वाली कॉइल आती है, ये चाइनीज़ होती है कॉइल, देखने में ऑलमोस्ट सेम ही है, सिमिलर होती है बट पीछे से फ़र्क होता है। ये मेटल में होती है, ये प्लास्टिक में होती है, ठीक। ये लगाने के बाद प्रॉपर ऑटो कट इंडिकेटर चलेगा, ये लगाने के बाद ऑटो कट इंडिकेटर नहीं चलेगा। ऑटो कट मतलब जैसे आप इंडिकेटर दे दो राइट साइड का, आप स्टेयरिंग राइट मोड़ते हैं तो स्टेयरिंग जो डंडी है वो अपने आप ऊपर नहीं आएगी, ऑटो कट में आती है, और जो नहीं करेगा लटकी रहती है वो मैनुअली आपको ऊपर करनी पड़ेगी। अच्छा, ये चीज़ है, तो ये ऑटो कट आपका प्रॉपर जो फीचर गाड़ी का है वो काम करेगा, और ना कोई आवाज़ आएगी कट कट की जैसे चाइनीज़ में आती है, इसकी जो रिबन होते हैं उसकी आवाज़ ही जैसे घिसने की, प्लास्टिक घिसने की जो आवाज़ आती है वो चीज़ मिली है, ठीक है। ये स्टेयरिंग लग जाएगा, ये स्टेयरिंग आपका ग्लेंजा में भी कंपेटेबल है, ब्लेजियो में भी कंपेटेबल है, तो आप किसी के पास ग्लेंजा हो वो बंदा वीडियो देख रहा हो तो उसकी गाड़ी में भी कंपेटेबल है। किसी भाई को कोरियर कराना हो तो कोरियर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, ये हमारा स्टेयरिंग ऑडियो कंट्रोल नागालैंड जा रहा है, नागालैंड एक दूसरा कोना हो जाता है इंडिया का, तो वहाँ तक हमारी सर्विस है। अब आपके सामने ये हम डिस्पैच कर रहे हैं, कस्टमर ने हमारी वीडियो देखी, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट करा, उन्होंने अपनी ब्रीजा के लिए स्टेयरिंग कंट्रोल मंगाया पुरानी ब्रीजा के लिए, तो वो चीज़ डिस्पैच हो गई है। ऐसे ही अगर किसी भाई को कहीं से भी हो, आपका केरला से हो, कलकत्ता से हो, बॉम्बे से हो, आपको ये चीज़ आपके पास अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते तो हम आपको डिस्पैच भी कर देंगे, ठीक है। मतलब कोई भी कोने में मंगाना हो हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, अगर वहाँ पे कोरियर अवेलेबल होगा तो हम कोरियर कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। 4500 में ये दो चीज़ें हैं पूरा, ये दो चीज़ों का कॉम्बो है इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। और अब दिखाएंगे हम आपको टॉप मॉडल वाला वायरलेस चार्जर जो आता है ब्रीजा के अंदर,
ये अपने मतलब कितने पीस होंगे अपने ये पास? एक 35-35 पीस है हमारे पास इसको 30-35 ज़्यादा ही होंगे। ये इसका टॉप मॉडल वाला वायरलेस चार्जर कहाँ से लाए हो? 30-35 पीस जब बताया था ना कि स्टॉक आने इसलिए अपडेट करेंगे। अभी जो पहले दिखाए थे 5-6 पीस जो थे वो बेसिकली हमारे पास जो स्टार्टिंग आया था उसके बाद ऑर्डर लगा था सारी क्वान्टिटी आई है। और ये इसके साथ इसकी वायरिंग आती है बिल्कुल प्लग एंड प्ले वायरिंग है कपलर टू कपलर काम करेगा बिल्कुल प्रॉपर काम करता है। जब टॉप मॉडल में आता है इसके अंदर हो गया चार्ज फोन रखोगे और एक्टिवेट करोगे तब जाके काम करेगा। मतलब इसमें वायरिंग कैसी है? सब प्लग एंड प्ले वायरिंग है जी। इसमें भी कोई कुछ किसी भी चीज़ में कोई जुगाड़ नहीं करता आज के फ़ोन इतने बढ़ते हैं। एंड इसके अंदर आपका ये चीज़ लग जाएगी आपकी गाड़ी ये भी भाई ये अपना भाई का फोन होगा साइलेंट कर दिया क्या करें अभी वीडियो शूट करके आराम से उससे बात करें। पहले कई बंदे कहते हैं भाई पाजी फोन नहीं उठा रहे हैं ये कई बार वर्किंग आवर्स में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम बात कर नहीं पाते। मैं भाई को बोलूँ एक बार पीछे दिखाना कितना सामान पड़ा है भाई के पास भाई देख रहे हो मतलब पूरा सजा हुआ है सजा हुआ बिल्कुल ऊपर ही ऊपर कंसोल पड़े हुए इसके कंसोल पूरा पड़ा कंसोल पड़े हुए इसकी टॉप मॉडल वाली सीट प्लेट ये सारे स्टीयरिंग है सारे स्टीयरिंग। अब कई बंदा बोलेंगे खाली डब्बे होंगे तो खाली डब्बे भी तो लाने 35 तो नहीं ज्यादा ही लग रहे हैं ज्यादा पीछे तो बड़े हैं कोई बंदा आएगा ये नहीं बोले हम ये नहीं बोलेंगे भाई आ रहा है या हो रहा है अभी पड़ा हुआ स्टॉक शाम को ले लेना अभी स्टॉक पड़ा है तो अभी रेट बता देंगे आपको अभी पड़ा है आप आ सकते हो लगवा सकते हो अभी आ जाओ होगा तो आपको बताएंगे अगर नहीं होगा ये नहीं बोलेंगे कि शाम को आ रहा है सीधा ही मना कर देंगे भाई साहब स्टॉक फिनिश हो। और पाजी ऑफर क्या लेकर आ रहे हो? ऑफर बिल्कुल ऑफर रहेगी जो बंदा जैसे अपनी पूरी गाड़ी हमसे तैयार कराएगा तो उसके लिए बेस्ट डिस्काउंट रहेगा। बट जो भी बात होगी आप यहाँ पे आइए अपनी चीज़ें डिसाइड कीजिए क्या क्या लगाना है आपका पूरा पर्चा बनेगा एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं होंगे उसके अंदर हिडन जो भी चीज़ होगी अगर जैसे 4500 बोला तो 4500 का ही है अगर स्किड प्लेट बोली 2500 की है तो 2500 रुपये ही का ही है ये नहीं कि 300 रुपये अलग से इंस्टॉलेशन ले रहे वो चीज़ नहीं है। अच्छा ये तो वही है आगे पीछे वाली सिल्वर वाली तो जो भी चीज़ होगी पहले बताई जाएगी दिखाई जाएगी डिस्कस की जाएगी उसके बाद इंस्टॉलेशन होगी लेकिन उससे पहले रेट पूरा तय किया जाएगा ये नहीं कि बता दिया कुछ और लगा दिया कुछ और वो चीज़ नहीं डिस्क्राइड की जाएगी आपको जस्टिफाई लगे आप काम कराओ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी कराता है स्टीयरिंग गुंजाइश नहीं हो जाएगा थोड़ी बहुत टोटल में जो होगा बताया तो आपको जो टोटल अच्छा। में होगा उसमें बता देंगे पर्टिकुलर किसी एक आइटम में कोई गुंजाइश नहीं है जो रेट है वो फिक्स है बाकी जो भी टोटलिटी में जो आपका टोटल बनेगा 50,000, 30,000, 20,000 जो भी उसमें डिस्काउंट होगा पहले डिस्कस किया जाएगा उसके बाद काम किया जाएगा। भाई नेक्स्ट वीडियो में ना पाजी एक ऑफर ला रहे हैं एक स्टीयरिंग फ्री पूरी मॉडिफिकेशन में एक स्टीयरिंग फ्री और ये हमारे पास हर्ट्ज के स्पीकर्स मिल जाएंगे जैसे जो मारुति के ऑफिशियल काउंटर पे जो मिलते हैं हर्ट्ज के क्योंकि हर्ट्ज जो हाँ जी हर्ट्ज जो है उनका चैनल पार्टनर है वहाँ पे जितने भी वहाँ पे फिटमेंट्स होते हैं वहाँ पे हर्ट्ज के स्पीकर लगते हैं। किसी भाई को अगर हर्ट्ज के स्पीकर्स चाहिए तो हर्ट्ज के स्पीकर्स मिल जाएंगे पाइनियर जैसे पाइनियर है ये लगती नहीं है कहते ठीक है अगर ये किसी भाई को चाहिए तो ये चीज़ के अपने पास अवेलेबल है। ये आपने लगाई है क्या ऊपर से? लगी लगाई है भाई। अच्छा जी ठीक है हमारे टाइम में तो आई नहीं सारी रेंज मिल जाएगी इसके अंदर एंड्रॉइड की सारी रेंज निपॉन मिल जाएगा तो निपॉन इनका ऑफिशियल जितनी भी एक्सेसरीज आती है वो निपॉन की आती है जितने भी आपने स्पीकर्स देखे देखो कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है तो लगाना पड़ता है हम देते हैं ऐसी बात नहीं है। ब्लॉकपंक में भी वही चीज़ है ठीक है ब्लॉक हो जाता है हाई हो जाता है लेकिन क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है ये ब्लॉकपंक में आ जाएगा अपने पास ठीक है को 980 ये मिल जाएगा इसमें भी अगर भी बहुत सारे आते इसमें हाँ 3-4 मॉडल आते हैं बट सबसे ज़्यादा हॉट रनिंग मॉडल ये बताए और फिर कॉस्ट बढ़ती रहती है सस्ती का बढ़ जाते सोनी में चाहिए तो सोनी में सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग 8100 है ये लगा सकते हो आप सोनी में दो मॉडल और वेरियंट मिल जाएंगे बॉस्टिक का एंड्रॉयड मिल जाएगा तो चीज़ें सारी है बाकी आपकी जैसी प्रेफरेंस हो वैसी उसके हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। आपको अपग्रेड कराने का कोई लेवल नहीं है आपको जैसा अपग्रेड कराना है स्पीकर 1700 का भी आता है 70,000 रुपये का भी स्पीकर आता है उसकी कोई लिमिट नहीं है ये चीज़ आप ये आप डिसाइड करो आपको क्या करना है कैसे करना है एक बजट डिसाइड करो कि मेरे को इतना स्पेंड करना है इसमें तो उसमें क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है। अगर कोई पाजी अपने पास LXi आई मतलब उसको ZXi प्लस बनानी है तो उतना खर्चा कितना देगा? देखो हर किसी का ZXi प्लस करने में ऑडियो में सेटअप अच्छा लगाता है कईयों को बेसिक चीज़ें लगानी होती है कई लोग अलॉय व्हील भी डील करवाते हैं तो अलॉय व्हील अगर आप 36,000 के तो अलॉय आते हैं तो बजट कहाँ जाएगा वो अगर जिसका बजट ही 20-25,000 का तो 36,000 रख रहे हैं आने वाले टाइम हाँ नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर अलॉयज बताएंगे जो बहुत कम ZXi प्लस वाले जो अलॉयज आएंगे वो दिखाएंगे
तो अभी कंसोल भी रेडी पड़े हैं कम से कम जितनी क्वांटिटी में स्टेरिंग जितनी क्वांटिटी में अभी स्टेरिंग है उतनी ही क्वांटिटी में अपने पास कंसोल भी रेडी पड़े हैं। किसी भाई को कंसोल भी लगवाना हो तो कंसोल भी अपने पास अवेलेबल है। खाली कंसोल भी लगवाना हो तो खाली कंसोल भी लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जैसे इनर हैंडल क्रोम, अंदर की सिल्वर लाइनिंग वाली स्ट्रिप, मैटिंग 70 कलर कॉम्बिनेशन वाले सीट कवर्स, बहुत कुछ है, हेडरेस्ट। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप या अपने या तो स्टोर विजिट कर सकते हो या व्हाट्सएप या हमसे इमेजेस मांग सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। बाकी अगर किसी भाई को किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी हो तो व्हाट्सएप पे अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कर दीजिए, तो उसमें आपको रेट लिस्ट फॉरवर्ड कर देंगे, तो जो भी रेट होगा आपको पता लग जाएगा, एक माइंड सेटअप रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ें इतने की है, बाकी जो फर्दर डिस्काउंट होगा आप यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है पाजी, एक बार अपना लोकेशन बता दो। लोकेशन जो है भाई अपनी दिल्ली हाट जनकपुरी जो है उसके एग्जिट गेट के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो अभी आपको वीडियो में भी लोगों को लोकेशन थोड़ा समझा देना। एंड मेरा मोबाइल नंबर है 9871807131 एंड 7 डेज हमारा वर्किंग रहता है। बाकी अब जो आगे हमारे नए नवरात्रे आ रहे हैं 2 दिन की जो, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत गाड़ियाँ निकल रही हैं, लोगों का बहुत प्यार आ रहा है। तो जिस भी भाई ने काम कराने आना हो एक बार प्लीज़ फ़ोन पे बात करके आए, पर हाँ हाँ थोड़ा हमारे लिए भी कंफर्टेबल रहता है, अगर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो हम भी काम नहीं करते, गाड़ी इतनी सारी आती फिर एक्स्ट्रा आ जाए तो हाँ तो अब एक लिमिट होती है, हम अच्छा लगता है 3-4 गाड़ी कर सकते हैं, 2 गाड़ी कर सकते हैं, अब 6 गाड़ी हमारे पास भी आ जाएगी तो हम काम कहाँ से कर सकते हैं, हमारी भी एक लिमिटेशन है, हम तो लगते हैं साथ में बट हमारी भी एक लिमिटेशन है, स्ट्रेंथ हमारी अभी कम है, बाकी जिस हिसाब से होता है हम उस हिसाब से काम करते हैं। ज़्यादा काम करेंगे तो वो क्वालिटी वर्क नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं लगानी तो हमारे पास ये सारे LEDs का ऑप्शन है, इसमें हमारे पास 100 वॉट 120 वॉट 140 वॉट सारे मिल जाएंगे। अब 120 100 और 140 में आप कंफ्यूज मत होना, ये जो होता है ना ये पेयर का होता है, जैसे अगर 140 है तो पेयर की वॉटेज है, क्योंकि अगर 140 वॉट का अगर 140 और 70 हो गया ना, हाँ 70 अगर 140 वॉट का एक साइड का बल्ब होगा, जो बंदे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई हमारी 140 वॉट की है सिंगल पीस, तो गाड़ी में सीधा ही आग लगेगी, क्योंकि जो उसके अंदर बल्ब आता है स्टॉक बल्ब वो 55-60 वॉट का आता है। हाँ। तो 70 वॉट क्या होता है 5 वॉटेज प्लस चलता है, लेकिन हाँ। ये नहीं कि 140 वॉट लगा दोगे तो वो कहाँ चलेगा, लॉजिकल बात सोचो, वो चीज़ इलॉजिकल है। जो डिसेंट वॉटेज रहती है 120 वॉट एक डिसेंट वॉटेज है, उसमें थ्रो भी बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना आर्मरेस्ट दिखाएंगे, प्रॉपर जेन्युइन आर्मरेस्ट, अलॉय व्हील्स दिखाएंगे, अलॉय व्हील्स की पूरी हमारे पास वैरायटी है इसमें, अगर आपको किसी भाई को नियो के चाहिए तो नियो के भी दिखाएंगे आपको अलॉय व्हील्स, एंड बस यही चीज़ है। कर दें फिर एंडिंग, दे देंगे कुछ मैक्स लिंक भी आ गई है, अगर किसी भाई को चाहिए एच आई डी मैक्स लिंक फ्री दे दो यार, दे दो दे दो मैक्स लिंक की, जो एच आई डी पीछे नहीं आ रही तो वो चीज़ भी अवेलेबल, जो मेरे चैनल पे आएगा फ्री स्टेयरिंग फ्री, जो आपके चैनल से जो भी रिकमेंड जो भी क्लाइंट आएगा उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, वो फ्री बोलो फ्री भाई, फ्री नाम की कोई चीज़, ये अभी बात करी थी, ये नहीं ये मत बोलो, होती है यार मेरे चैनल पे आएगा फ्री फुल मॉडिफिकेशन पे कागज भी बनेगी वो मॉडिफिकेशन भी। चलो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके टिल देन बाय, चंगा जी।